किसी की जिंदगी बचाने के लिए किए जाने वाला अंग प्रत्यारोपण अर्थात बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किसी और की जिंदगी छीन कर किया जाता है। यह बात गले नहीं उतरती ना, लेकिन यही सच है। आज ट्रिपल पर हम बेपर्दा करेंगे उस हकीकत को जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन। जिंदगी बचाने में देहदान और अंगदान का एक विशेष महत्व माना जाता है। भारत सरकार ने 1993 में ह्यूमन बॉडी ट्रांसप्लांट को कानूनी रूप से लागू किया, जिसमें ब्रेन डेथ को भी कानूनी मान्यता दी गई। एम्स में 2003 में ऑर्गन रिट्राइवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन समझना जरूरी ये है कि आखिर ह्यूमन बॉडी ट्रांसप्लांट है क्या। शरीर के उपयोगी अंग जैसे आंखें, कार्निया, बोन, लीवर, स्किन वगैरह को किसी मृतक के शरीर से निकालकर किसी जरूरतमंद के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे उसे लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिल सके। जिस व्यक्ति से यह अंग निकाले जाते हैं उसके शरीर को दोबारा सही रूप में परिवार को सौंपा जाता है। एक्सपर्ट सर्जन ही यह काम कर सकते हैं, हालांकि यह तो आदर्श परिस्थिति में होता है, मगर सच्चाई तो कुछ और ही है। भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन दिनों एक बड़ा व्यापार बनकर उभरा है। 40 लाख रुपए दो और किडनी ले लो, यह व्यापार ही तो है। अब आप कहेंगे यह तो डॉक्टर की और ऑपरेशन की फीस है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि यह बॉडी पार्ट्स आते कहाँ से हैं? लावारिस लाशों से, या दुर्घटना में मृतक लोगों से, या फिर वाकई डोनर्स से? बॉडी ट्रांसप्लांट इतना भी आसान नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है डोनर का स्वस्थ होना। कई तरह के कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी पॉजिटिव, स्टेपसीमिया आदि बीमारियों के मरीजों के बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट में उपयोग नहीं किए जा सकते। अब सवाल उठता है, स्वस्थ डोनर्स आखिर मिलते कहाँ से हैं? यह वाकई एक बड़ा प्रश्न है। आखिर हेल्दी डोनर कैसे मिल जाते हैं? वो ट्रांसप्लांट जो किसी भी एक की जिंदगी बचाने के लिए किया गया है, वही किसी एक मासूम जिंदगी को कुचलकर किया गया है। क्या आप जानते हैं बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट के लिए मध्यम वर्गीय लड़कियों को शिकार बनाया जाता है? अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि लड़कियां ही क्यों? आखिर लड़कियां क्यों? इसका जवाब है, मध्यम वर्गीय परिवारों की अधिकांश लड़कियां नशा नहीं करती, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होती हैं और अपना ख्याल भी रखती हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर कैसे बनाया जाता है इन लड़कियों को शिकार। हमारे देश में हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के बारे में कई खबरें सुनते और पढ़ते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि लड़कियां ही क्यों मानव तस्करी का मुख्य शिकार बनती है? क्यों भारत के बाजार में लड़कियों की कीमत है? इसके दो अहम कारण हैं, शारीरिक शोषण और बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांट। भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ बच्चों और लड़कियों को तस्कर अपना शिकार बनाते हैं। लड़कियों को भारत में अपना शिकार बनाना बेहद आसान होता है, क्योंकि इनमें से कई को प्यार का मरीज बनाकर घर से भगा कर ले जाया जाता है, और इस तरह इन लड़कियों की तलाश पुलिस भी नहीं करती, जिसके बाद इन पर कई तरह के जुल्म किए जाते हैं। शारीरिक शोषण से लेकर इनके बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांट तक कर दिए जाते हैं। घर से प्यार की खातिर भागी इन लड़कियों की खबर ना कोई पूछता है, ना किसी तक पहुंचती है। अपराधी जुर्म करते हैं, करोड़ों कमाते हैं और आज़ाद घूमते हैं, और इस तरह बॉडी पार्ट्स की कालाबाजारी फलती फूलती रहती है।